जनपद मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे बाननगर एवं दीदाहेड़ी के ग्रामीणों के द्वारा एक ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी को सौंपते हुए कहा कि बाननगर व दीदाहेड़ी एवं जाटनगला से NH 700 का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें तीनों गांवों के किसानों की आने जाने की किसी सुविधा को दृष्टिगत नहीं किया गया। तीनों गांवों का जंगल 70% प्रभावित है, जिसमें आने जाने की कोई सुविधा नहीं है। यदि किसान अपने खेत में जाते हैं तो किसानों को कई किलोमीटर का चक्कर काटकर अपने खेत में आना पड़ता है। कई बार NH के अधिकारी से वार्ता होने पर भी कोई समाधान नहीं किया गया, इसलिए वे मांग करते हैं कि कट आगे पीछे कट व सर्विस रोड दिलाने की कृपा करें, जिससे ग्रामीणों की समस्याओं का निदान हो सके। क्या नाम है आपका? सत्येंद्र कुमार शर्मा, भारतीय किसान संघ, जिला महामंत्री। शर्मा जी बताए, जिलाधिकारी कार्यालय पर हम भारतीय किसान संघ का प्रतिनिधिमंडल जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में, हमारी बाननगर और दीदाड़ी और जटनगला गांव की एक समस्या है। वहाँ NH की सड़क बन रही 709 के नाम से NH जो जानी जा, उसमें कुछ त्रुटियां हैं, जिसे हम बार बार NHI वाले अधिकारियों से मिले और उन्हें अवगत करा, लेकिन वे हमें लिपापोती करें और बैठा दें। हम ये चाहते हैं कि जिला अधिकारी महोदय इसमें हस्तक्षेप करें और वहाँ पर हम एक कट यानी सड़क को पार करने के लिए, जिससे कि हमारा 80% जंगल प्रभावित हो रहा है तीन गाँव का, और जो किसान है उस रास्ते को जाकर 8-7 किलोमीटर का उसे दायरा तय करना पड़ेगा, उससे बच सको। लेकिन NH के जितने भी अधिकारी हैं उन्होंने सबने आश्वासन तो दिया, लेकिन काम नहीं कर पाए। आज हमें यहाँ पर दुखी होकर जिला अधिकारी की शरण माना पड़ा, और हम उम्मीद करेंगे कि जिला अधिकारी हमारी बात सुनेंगे और उसमें हस्तक्षेप करके हमें कट वहाँ से दिलवाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर तो भारतीय किसान संघ संघर्ष करेगा और आंदोलन करेगा। यही एक रास्ता है किसान के पास, और क्या है। वैसे तो समय है नहीं चूँकि काम चलेगा, लेकिन जिलाधिकारी से उम्मीद कर रहे हैं कि नए जिलाधिकारी हमारे और बड़े होशियार पहले रह कर भी गए तो हमारी समस्या का निदान करेंगे।